हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी आलू सैंडविच। ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी है और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तंदूरी आलू सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने एक आलू उबाला हुआ है, इसको बाउल में डालेंगे। ये आलू जो है ये हमें गरम गरम ही मैश करना है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। इसमें प्याज ऐड करेंगे, धनिया डालेंगे। आपके पास अगर किसी और कंपनी की है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये वाली करनी। तकरीबन 4 चम्मच म्योमिस डलेगी, तो आपके अनुसार नमक डालेंगे। वैसे इसमें नमक कम ही डलेगा क्योंकि म्योमिस में ऑलरेडी नमक होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ब्रेड पीस लेंगे और कुकी कटर की सहायता से सारे ऐसे गोल पीस काट लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप किसी भी गोल ढक्कन से इसको काट सकते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है। सारे ऐसे ही काट लेंगे। सारे पीस कट चुके हैं, अब हम इनके ऊपर मक्खन लगाएंगे। जो हमने म्योमी का मिक्सचर तैयार किया था वो लगाएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर इसको इससे दूसरे पीस से कवर कर देंगे। इसी तरह सारे पीस रेडी कर लेंगे। हमारे चारों सैंडविच बनके रेडी हो गए हैं। नॉनस्टिक पैन गरम हो गया है, अब हम इसको ग्रीस करेंगे। आप इसे ऑयल से, मक्खन से, किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं। अब ये सैंडविच इसके ऊपर रखेंगे। मिनट के लिए पकाएंगे, इसको पलट देंगे। ये 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है और ये बच्चों के टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम इसके ऊपर ये ग्रेटेड चीज डालेंगे। चीज अच्छी क्वांटिटी में डालना क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए गर्म होने की वजह से चीज मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ध्यान रहे ये बहुत सॉफ्ट है, तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे काटना है। इसी तरह बाकी भी काट लेंगे। ये हमारे सारे कट गए हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। आई
आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। एंजॉय। आप इसे बाय बनाइए और बाय। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए।